इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 15वां सवाल, एसीपी प्रद्युमन किस धारावाहिक के पात्र हैं? ए क्राइम पेट्रोल, बी पुलिस फैक्ट्री, सी एफआईआर, डी सीआईडी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। बिहार के एक जिले में आईपीएस पति पत्नी की पोस्टिंग, भागलपुर एसएसपी की पत्नी बनी नौगछिया की एसपी। बिहार के एक ही जिले में आईपीएस दंपति की पोस्टिंग कर दी गई है। पटना विशेष शाखा की पुलिस अधीक्षक आईपीएस स्वपराजी मिश्राम का तबादला भागलपुर जिले के नौगछिया के एसपी के रूप में हो गया है, जो भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती की पत्नी हैं। वहीं बताते चलें कि गुरुवार को बिहार गृह विभाग की ओर से 3 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। 2011 बैच की आईपीएस स्वपराजी मिश्राम एसएसपी आशीष भारती की पत्नी हैं। एसपी स्वपराजी मिश्राम और एसएसपी आशीष भारती दोनों ही 2011 बैच के आईपीएस अफसर हैं। स्वपराजी मिश्राम मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली है, जो वर्तमान में पटना में ही स्पेशल ब्रांच की एसपी थी, जबकि आशीष भारती मूल रूप से नालंदा के रहने वाले हैं। कभी मुंगेर जिले के एसपी रहे आशीष भारती का तबादला प्रमोशन के साथ भागलपुर कर दिया गया। 2 वर्ष पहले ही 2018 में मुंगेर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत आशीष भारती को प्रमोशन देकर भागलपुर का वरीय पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। भागलपुर में सदियों से बंद पड़े विद्युत सावधाह गृह का हुआ उद्घाटन। भागलपुर के बरारी शमशान घाट में 2,68,00,000 रुपए की लागत से तैयार विद्युत सावधाह गृह का गुरुवार को मेयर सीमा साहा और उप मेयर राजेश वर्मा ने उद्घाटन कर इसे आम लोगों को सुपुर्द कर दिया है। इस संबंध में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज की मौत व अन्य गरीब परिवार को सावधाह गृह के शुरू होने के बाद अब उनके परिजन को जिल्लत नहीं सहनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की लड़ाई में असफल योद्धाओं की मौत पर उनके दाह संस्कार के लिए भी परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि लगातार घाट पर अनाप शनाप पैसे की डिमांड परिजनों से की जाती है। वहीं बिचौलियों की डिमांड पूरी नहीं होने पर सबका दाह संस्कार तक नहीं करने दिया जाता है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना महामारी के इस दौर में जिन भी लोगों की मौत कोरोना से हो रही है, तो देखा जा रहा है कि उनके परिजन जो है वो बॉडी को एक्सेप्ट करने से, सबको एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो ऐसी इतनी भी लावारिस सब है, उसको अंतिम संस्कार करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। यहाँ से भी बहुत सारी शिकायतें जिला प्रशासन के पास हम लोगों तक पहुँच रही थी कि यहाँ भी जो है सड़क को जलाने में बड़ी परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए आनंद फानंद में हम लोगों ने थोड़ा सा तकनीकी काम बचा था विद्युत सत्याग्रह का, उस तकनीकी कार्य को विगत 2-3 दिनों में पूर्ण कराया गया और आज जो है विद्युत सत्याग्रह शुरू हो गया है। और अभी हम लोग फिलहाल जब तक ये कोरोना महामारी है कुछ दिनों तक, अभी हम लोग कोई भी शुल्क लोग स्टैंडिंग कमेटी में इस बात का डिसीजन ले लेंगे कम से कम रेट में, दर में किस तरीके से जो है सबका जो है अंतिम संस्कार किया जाए, ताकि निम्न स्तर के लोगों को भी अंतिम संस्कार में बहुत भारी नहीं लगे, बहुत बोझ नहीं लगे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पर अभी 4 लोग टेक्नीशियन के साथ 4 लोग अभी अपॉइंट किए गए हैं और सभी लोग को ये बता दिया गया है कि किसी भी आने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो, उनके बैठने की जगह सामने सुनिश्चित की गई है। 1.5 करोड़ की लागत से बुको के द्वारा नगर निगम के माध्यम से इस कार्य की योजना को आज से शुरू किया गया है। और मैं यही चाहता हूँ कि शहर के सभी लोग, जो भी लोग हैं, जो भी ऐसे परिवार हैं जिनको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, आप शमशान घाट में यहाँ आते हैं तो यहाँ 4 लोग बैठे हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आश्वस्त करते हैं। भागलपुर के साचक थाना क्षेत्र के कुख्यात मोहम्मद बन्नी को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान धर दबोचा। भागलपुर के साचक थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी मोहम्मद बन्नी को पुलिस ने चेकिंग के दौरान खलीफाबाग चौक पर धर दबोच लिया है। सिटी डीएसपी एवं सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने साचक थाने में अपने दलबल के साथ पूरे क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे हैं। उसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कई केसों में फरार अभियुक्त बन्नी खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस कोरोना महामारी में भी पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्ती के साथ अभियान चला रही है।
और अभी भी चेकिंग में एक कुख्यात अपराधी है जो कि कान में वांछित भी था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। दक्षिणी क्षेत्र में सर, लेकिन ज्यादा देखिए वहाँ भी ये टीम फिर वहाँ भी जाएगी, है ना। ये टीम पूरा घूम घूम चेक कर रही है और हर जगह लोग चेक कर रहे हैं, हर जगह फाइन हो रहा है। नवगछिया में लॉकडाउन, 50 से ज्यादा एक्टिव मामले रहने के बावजूद लॉकडाउन में काफी ढिलाई। नवगछिया में राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए लॉकडाउन के पहले दिन कोई खास असर देखने को नहीं मिला। लॉकडाउन के पहले दिन चाय, नाश्ता, गुपचुप, आइसक्रीम, रिचार्ज और पान की दुकानें भी खुली हुई थी। जिले में 13 जुलाई से ही लॉकडाउन घोषित था, इसलिए नवगछिया बाजार में उपरोक्त दुकानें खुलने के बाद भी दिन भर भीड़ नहीं दिखी, लेकिन शाम में नवगछिया बाजार पूरी तरह से गुलजार था, ना कोई देखने वाला और ना ही कोई टोकने वाला। वहीं बताते चलें कि नवगछिया में पिछले दिनों चलाए गए सघन मास चेकिंग अभियान और एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शहर में 90% लोग मास्क लगाने लगे हैं। नवगछिया के संतोष गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में छोटे और मझोले व्यवसायी को व्यापक नुकसान हो रहा है। वहीं नवगछिया मक्खा तकिया पर एक ठेले पर अपना व्यवसाय करने वाले दुकानदार से जब पूछा गया कि क्यों कोरोना फैला रहे हैं, तो दुकानदार का जवाब था कि वे किसी को बुला नहीं रहे हैं, जिसको मन है आए और मेरे पकौड़ी की खरीदारी करें, मन नहीं है तो वो किसी को घर से बुलाने कहां जा रहे हैं। दुकानदार से फिर पूछा गया कि कोरोना से आपको डर नहीं लगता, तो दुकानदार काफी गंभीर हो गया और एक पल चुप रहकर गवई भाषा में उत्तर दिया कि कोरोना होते तो हुआ दहो, लेकिन कमेबे नहीं तराती बच्चा भूखले सूती देते। इसके बाद ना तो कोई सवाल था ना ही कोई जवाब। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र में लॉकडाउन बेअसर, बाजारों में काफी भीड़। बिहार सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, परंतु गोपालपुर प्रखंड के सुकटिया बाजार, पचगछिया बाजार सहित अन्य बाजार में अन्य दिनों की तरह काफी भीड़ देखी गई, जबकि मुख्य सड़कों पर वाहनों का परिचालन काफी कम रहा। थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371-1787 7325052437 पर। ओई मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। नवगछिया में बिहुला विसरी की पूजा शुरू। गुरुवार से अंग क्षेत्र सहित नवगछिया के सभी विसरी मंदिर में बिहुला विसरी के पूजा के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को नवगछिया छोटी ठाकुरबाड़ी रोड स्थित विसरी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पूजा समिति के अध्यक्ष विमल किशोर पुद्दा ने बताया कि प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार नाग कलश और मेढ़ का पूजा अर्चना किया गया है और एक माह तक आस्था विश्वास के साथ हर मंदिर में बिहुला विसरी के गीत गाए जाएंगे, जो विधिवत किया जाएगा। आगामी 17 और 18 अगस्त को विसरी पूजा संबंधित जो भी प्रशासन का निर्देश होगा उसके अनुसार पूजा पाठ किया जाएगा। नवगछिया में 97 संदिग्धों की रिपोर्ट पेंडिंग, 6 संक्रमित बॉन्ड ऑन, 10 पॉजिटिव केस घूम रहे हैं छुट्टा बाजार में। नवगछिया में कोरोना की स्थिति दिन ब दिन काफी भयावह रूप लेता जा रहा है। एक के बाद एक कोरोना विस्फोट सामने आने के बाद भी नवगछिया में जांच सैंपलिंग नहीं बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ नवगछिया में 97 संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट अब तक पेंडिंग है। इनमें 50 लोगों की सैंपलिंग 13 जुलाई को किया गया था, बाकी 47 लोगों की सैंपलिंग 15 जुलाई को किया गया है। इतने लोगों में कई प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हैं। रिपोर्ट नहीं आने के कारण यह लोग भी उधेड़ बुन में हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे भी लोग हैं जो सैंपलिंग देकर खुलेआम घूम रहे हैं। बताते चलें कि नवगछिया शहर में 6 संक्रमित लोग बॉन्ड ऑन है और पूरी तरह से अपने घर में क्वारंटीन है। दूसरी तरफ 10 संक्रमित ऐसे लोग हैं जो कि ना तो आज तक अस्पताल गए हैं, ना ही अस्पताल आकर बॉन्ड भरा है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक AK सिन्हा ने
कहा कि उन्होंने 10 लोगों की रिपोर्ट के साथ एक चिट्ठी स्थानीय स्तर के पदाधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी को भी दे दी है। वरीय पदाधिकारी जैसा निर्देश करेंगे वे लोग उसी तरह की कार्रवाई करेंगे। कोरोना का हाल का समय है, आम लोगों को भी अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए जिसके कारण लोगों को बचाया जा सके। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया के थानाध्यक्ष हरिशंकर कश्यप ने कहा कि अगर स्वास्थ्य विभाग लिखित सूचना दे तो वे मामले की कार्रवाई करेंगे। किसी भी सूरत में हर एक व्यक्ति चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो या पुलिस पदाधिकारी उन्हें कानून का पालन करना ही चाहिए। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक समेत 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपलिंग किए गए कुल 50 लोगों में से 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए लोगों में नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के एक चिकित्सक, रंगरा थाने के पुलिसकर्मी व बाकी लोग रंगरा गांव के ही रहने वाले हैं। रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि सभी संक्रमित लोगों को अस्पताल भेजने या फिर बॉन्ड ऑन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि जो भी लोग संक्रमित हुए हैं उनके संपर्क में आए लोगों की लंबी श्रृंखला है, ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी जाँच की जाएगी। गंगा व कोशी नदी चेतावनी स्तर को पार कर तबाही मचाने को तैयार। गंगा व कोशी नदी के जलस्तर में प्रतिदिन लगातार वृद्धि होने से चेतावनी स्तर को पार कर तबाही मचाने को तैयार है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही नदियां चेतावनी स्तर को पार कर खतरे के निशान को छूने को बेताब दिख रही है। कोसी नदी में मदरोनी में 30.48 से बढ़कर 30.62 जलस्तर गुरुवार की शाम को हो गया, जो कि चेतावनी स्तर से 12 सेंटीमीटर अधिक है। वहीं गंगा नदी इस्माइलपुर बिंटोली में चेतावनी स्तर से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इन दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से गोपालपुर, इस्माइलपुर व रंगरा प्रखंड के निचले भूभाग में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है। आज से 5 दिनों तक सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक हाई लेवल फीडर में नहीं रहेगी बिजली। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाई लेवल फीडर में 17 जुलाई से 21 जुलाई तक शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। बिजली विभाग से जानकारी मिली है कि इस दरमियान बिजली के पोल और तारों की मरम्मत की जाएगी। इंजीनियर सोनू मिश्र बने भाजयुमो के जिला प्रभारी। भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने भीपुर के ओलियाबाद निवासी भाजपा के युवा नेता इंजीनियर सोनू मिश्र को भाजयुमो का जिला प्रभारी मनोनीत किया है। मनोनयन पत्र मिलते ही इंजीनियर सोनू मिश्र ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि संगठन की ओर से मिली जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे और संगठन से ज्यादा युवाओं को जोड़ने और मोदी जी की विचारधारा से अवगत कराने का भी काम करेंगे। नवगछिया में 3 मोबाइल चोर को रंगे हाथ दबोचा किया पुलिस के हवाले। नौगछिया के राजेश पोद्दार के कोयला डिपो पर नौगछिया निवासी चालक रविंद्र मंडल की मोबाइल चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार युवकों में राजन कॉलोनी निवासी जुगनू कुमार, नारायणपुर मथुरापुर निवासी अभिषेक कुमार और राजकुमार पोद्दार हैं। तीनों को नौगछिया रेल पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं रेल थाने के थानाध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार राय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। गिरफ्तार तीनों युवकों की पिछले दिनों से गतिविधि संदिग्ध होने की भी सूचना आ रही थी। नवगछिया में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर अवस्था में मायागंज भागलपुर में चल रहा इलाज। नौगछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर सड़क पर मंगलवार को गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा निवासी राजेश यादव 40 वर्षीय पिता गुरुदेव यादव को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। गोली लगने के बाद उसे गंभीर हालत में उसके साथ चल रहे युवक राहुल कुमार इलाज के लिए नौगछिया के अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं नौगछिया के प्रभारी थानाध्यक्ष हरिशंकर कश्यप ने बताया कि घायल का फर्द बयान लेने के लिए पुलिस पदाधिकारी को भेजा गया है। पुलिस मामले में छानबीन में जुट गई है। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8954-555-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।